न भांग न धतूरा न चंदन न भस्म न ही रुद्राक्ष है। भोले बाबा के बटुक रूप को प्रसन्न करने के लिए टॉफी और बिस्कुट का प्रसाद है। ये तस्वीरें थोड़ी हैरान करने वाली जरूर हैं, लेकिन पूरी तरह यानी 100% सच भी हैं। इतना ही नहीं, इस मंदिर में तो शराब, मछली और अंडे का भोग भी लगाया जा रहा है। अब ये तस्वीरें देखकर आपके दिमाग में सवाल तो जरूर उठ रहे होंगे कि भला भोले बाबा को कब से इस तरह का प्रसाद चढ़ने लगा। भला ऐसा कौन सा मंदिर है जहां शराब, अंडा, मछली और बिस्कुट, टॉफी भगवान को चढ़ाई जाती हैं? तो इसका जवाब आज द कर्मा आपको काशी में ले जाकर देगा। देखिए, ये तस्वीरें हैं काशी के केदारखंड के पश्चिमी हिस्से यानी कमच्छा क्षेत्र में मौजूद बटुक भैरव मंदिर की। कहते हैं इस बटुक भैरव मंदिर में बटुक भैरव की स्वयंभू मूर्ति स्थापित है, मतलब कि यह मूर्ति ना तो कहीं से लाई गई है और ना ही इसे बनाया गया है, बल्कि ये खुद ही प्रकट हुई थी। अब जरा बटुक भैरव की इस मूर्ति पर गौर कीजिए। पूरी तरह से अलग अलग फूल मालाओं से ढकी इस मूर्ति में सिर्फ बटुक भैरव का चेहरा ही नजर आ रहा है। मूर्ति के आगे दोनों तरफ भैरव बाबा के वाहन स्वरूप श्वान अर्थात कुत्ते नजर आ रहे हैं। अब जरा इस मंदिर की सबसे खास तस्वीर पर गौर कीजिए। यहां बटुक भैरव की आरती की तैयारी चल रही है और उनकी आरती से पहले तरह तरह के मिष्ठानों की जगह यहां पर अंडा, शराब, मछली, पूरी, टॉफी, बिस्कुट जैसे खाने के पदार्थ रखे हुए नजर आ रहे हैं। आरती से पहले कमंडल में शराब को डाला जा रहा है और जब आरती शुरू हुई तो पूरा मंदिर घंटों और नगाड़ों की आवाज से गूंज उठा। फिर बटुक भैरव को खुद पुजारी जी प्रसाद का भोग भी लगा रहे हैं। इस मंदिर में दिन में 3 बार आरती होती है। आरती के दौरान नगाड़ों को बजाना काफी अहम माना जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में पूजा और आरती के दौरान जो भी नगाड़ा बजाता है उस पर बाबा की विशेष कृपा होती है। इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि यहाँ सात्विक, राजसिक और तामसिक तीनों तरह से पूजा की जाती है। हमारे पूरे ब्रह्मांड को 3 भाग में बांट दिया गया, द्विलोक, मध्यलोक, पृथ्वीलोक। द्विलोक का मालिक विष्णु, मध्यलोक का मालिक ब्रह्मा और पृथ्वीलोक का मालिक शिव। तो विष्णु को सात्विक माना गया, ब्रह्मा को राजसिक माना गया और शिव को तामसिक माना गया। तो तीनों के ये बाल रूप जो है, इसलिए इनका 3 प्रकार का पूजन होता है। विष्णु स्वरूप में सात्विक पूजन होता है, ब्रह्मा के स्वरूप में राजसिक पूजन होता है और शिव के स्वरूप में तामसिक पूजा होता है। तो सात्विक पूजा करने से विष्णु की प्राप्ति होती है, राजसिक पूजा करने से ब्रह्मा की प्राप्ति होती है और तामसिक पूजा करने से शिव की प्राप्ति होती है। आपको बता दें कि काशी के इस बटुक भैरव मंदिर में पूजा विधि विधान सुबह से ही आरंभ हो जाते हैं। सुबह बाबा की सात्विक पूजा होती है, इस दौरान उन्हें फल, मिष्ठान आदि चढ़ाए जाते हैं। शाम के वक्त राजसिक पूजा में पंचमेवा को जगह दी जाती है, जबकि रात के वक्त तामसिक पूजा के तहत भोग में मांस, मछली, अंडा, बड़ा, पूरी के साथ साथ शराब भी चढ़ाई जाती है। यह सब बटुक भैरव और अष्ट मातृका का पूजन कर उनके वाहन श्वान को प्रसाद स्वरूप दिया जाता है। कहते हैं कि जिस तरह की भावना लेकर भक्त यहाँ आते हैं, उसी प्रकार की पूजा करने से ही उनकी मनोकामना पूरी होती है। बटुक भैरव शंकर जी के बाल रूप में इनका अवतरण हुआ है। ये जब माँ काली रौद्र रूप ली थी तो माँ काली को शांत करने के लिए शंकर जी ने बाल रूप में लिया था, उस समय इनका अवतरण उसी समय हुआ है। बटुक भैरव के दर्शन में सात्विक, तामस, राजस तीनों विधि से पूजा होती है। यहाँ पे रात में तामस विधि से पूजा होती है, दिन में आपका सात्विक विधि से पूजा होती है। यहाँ माँ पंचमकार द्वारा रोज रात में पूजा हो, अष्ट भैरव अष्ट मातृका की पूजा किया जाता है, जो इंडिया में, भारत में कहीं नहीं होता है। इसमें मध्य मास मीन और मछली, शराब, सब सारी चीज़ें रहती हैं। इनका नाम है आपद उद्धारक बटुक भैरव, है ना। आपद उद्धारक, किसी भी प्रकार की आपत्ति, विपत्ति, किसी भी प्रकार की समस्या हो, इससे उधार होने का मतलब कि उसे निकल जाना है ना, और अपने घर परिवार में सही ढंग से सुख शांति से रहने के लिए बटुक भैरव का दर्शन अति आवश्यक होता है। इनका नाम बाल बटुक है। बाल बटुक मैंने प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरे घर में छोटे बच्चे हो, मेरा वंश परंपरागत आगे बढ़ता रहे। तो जब तक बटुक नहीं घर में होंगे, वंश परंपरागत आगे नहीं बढ़ेगा। तो बटुकों के देने वाले,
बटुकों के रक्षा करने वाले यही बटुक भैरव ही हैं, जिससे कि हमारे वंश परंपरागत आगे बढ़ता रहता है और हमारे घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो कोई भी व्यक्ति यही चाहता है कि मेरे घर में संतानें हो, मेरा वंश परंपरागत रुके ना, आगे बढ़ता रहे और हम जो भी हैं सुख शांति से रहें। तो सुख शांति से आदमी रहता कब है, जब घर में 10 पैसा रहे और शरीर से स्वस्थ रहे। तो आरोग्यता के देवता हैं, इनको वैद्यों वैद्यनाथम कहा गया है, वैद्यों के भी बड़े वैद्य हैं। तो जो बड़े वैद्य हैं, जब इनके पास हम आएंगे तो फिर हमारे पास रोग कौन सा रह जाएगा। जब हमारे पास कोई रोग नहीं रहेगा, हमारे पॉकेट में 10 रुपया पड़े रहेंगे तो हम सुख शांति से रहेंगे ही। और दूसरा चीज़ ये है कि हमारा वंश परंपरागत आगे बढ़ता रहेगा, फिर दुनिया में चाहिए क्या। इसलिए बटुक भैरव जी का दर्शन करने से, पूजन करने से, और सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आप दर्शन पूजन कर रहे हैं लेकिन आपकी भावना क्या है। भावनात्मक रूप से जब तक देवताओं का हम दर्शन नहीं करते हैं उसका फल प्राप्ति नहीं होती है। जैसे हम नाना प्रकार के भोग लगाते हैं, देवता भोजन नहीं करते हैं, उसका गंध लेते हैं, तो वैसे ही हमारे मन में क्या है इसका वो गंध लेते हैं। तो हम जिस भावना से बटुक भैरव का दर्शन करते हैं वो भावना हमारा पूरी होती है, क्योंकि आया है कि जम जम चिंतित कामम तम तम प्राप्त होते निश्चितम। जो जो कामना लेकर जैसे मन से जिस भावना से हम बटुक भैरव का दर्शन करेंगे वो चीज हमें प्राप्त होगा। अब बात करते हैं मंदिर परिसर की। इस मंदिर का शिखर गुंबद के आकार का है। इसके अलावा गुंबद के चारों तरफ चारों कोनों पर 4 छतरियां हैं। मंदिर में हवन कुंड भी है जहां लोग पूजा अनुष्ठान करते हैं। रविवार और मंगलवार के अलावा भैरव अष्टमी के दिन यहां भक्तों का तांता लगा रहता है। इस मंदिर में दूसरे राज्यों से भी बड़ी संख्या में भक्त दर्शन पूजन के लिए आते हैं। भैरव बाबा का मंदिर है यहाँ। मैंने सुना है कि यहाँ पे जो भी मांगों को पूरा हो जाता है, और यहाँ पे शराब के साथ लाइक टॉफी वगैरह भी चढ़ती है बच्चों के लिए। तो अब बस आए हैं दर्शन करने। इस मंदिर के बारे में बहुत सुना है बटुक भैरव बाबा जी के बारे में कि यहाँ पे एक ऐसा ही अनोखा मंदिर है जहाँ पे बिस्कुट टॉफी के साथ शराब भी चढ़ाई जाती है, और बहुत आस्था है इस मंदिर की। छोटे ये भगवान का एक छोटा रूप है, छोटे बचपन का शिव जी भोले का, क्योंकि तो यहाँ पे जो मांगो वो पूरा होता है। मान्यता है कि जो भी भक्त यहाँ आकर भगवान बटुक भैरव को बिस्किट टॉफी का प्रसाद चढ़ाता है उसके संतान के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बटुक भैरव को भगवान शिव और काली का पुत्र माना गया है। हालांकि लोक कथाओं में इस बात का जिक्र मिलता है कि जब माता काली ने रक्त बीज नामक दैत्य का वध किया था तो वो बेहद क्रोध में थी। उनके क्रोध से पूरे ब्रह्मांड में उथल पुथल मच गई थी। उस वक्त भोले बाबा ने बटुक रूप ले लिया था। बटुक मतलब कि 8 साल से कम उम्र का बच्चा। माता काली ने जैसे ही बटुक रूपी शिव को देखा तो उनके अंदर की माता जाग उठी और वो शांत होकर बटुक रूपी शिव को दुलार करने लगी। उसके बाद से ही भोले बाबा की बटुक रूप में पूजा की जाने लगी। शिव महापुराण की कथा के अनुसार बटुक दधीची के पुत्र और पौत्रों को भी कहा गया है। दरअसल एक बार शिव जी के परम भक्त ऋषि दधीची को दूसरे गांव जाना पड़ा। पीछे से उनके पुत्र सुदर्शन ने भगवान शिव की पूजा का बीड़ा संभाला, लेकिन शिवरात्रि के दिन उसने अपनी पत्नी के साथ सहवास करने के बाद बिना स्नान किए ही शिव जी का पूजन कर दिया। बस फिर क्या था, भोले बाबा उसके इस कुकर्म से इस कदर क्रोधित हो गए कि उसे जड़ बना दिया। इसकी सूचना मिलते ही ऋषि दधीची ने सुदर्शन के साथ मिलकर श्रेष्ठ विधियों से देवी पार्वती का पूजन आरम्भ कर दिया। चंडिका ने प्रसन्न होकर सुदर्शन को अपना पुत्र बना लिया, साथ ही भोले बाबा को भी प्रसन्न कर लिया। तब महादेव ने उसके चारों बटुक पुत्रों को वरदान दिया और उन्हें अपने पुत्र रूप में स्वीकार किया। उसके बाद से ही उन्हें बटुक कहा गया। तेन यावत् कृता नैव पूजा वै शंकरस्य च तावत् पूजा न कर्तव्या कृता चेन्न शुभापि स। शिव महापुराण के अनुसार जब तक बटुकों की पूजा न कर ली जाए तब तक शिव जी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर पहले शिव जी की पूजा की जाए तो वो शुभदायी नहीं होती। शुभ कार्य हो या अशुभ, बटुक का कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। शिव पार्वती के कार्य में बटुक की ही विशेषता देखी जाती है। यही वजह है कि काशी के इस बटुक भैरव मंदिर में प्रसाद के रूप में मिठाई तो कम, टॉफी बिस्कुट चॉकलेट का भोग ज्यादा लगाया जाता है। भैरव अष्टमी के दिन बाबा को केक का भोग भी लगाया जाता है। मान्यता है कि बटुक भैरव के दर्शन के बाद ही केदारनाथ बाबा का दर्शन करना चाहिए। नवग्रह की शांति होती है,
भूत प्रेत बाधाओं के जो रहते हैं वो दूर भागते हैं और एवं शारीरिक एवं मानसिक शांति भरपूर मिलती है। कहा जाता है कि राहु केतु शनि की शांति होती है बटुक भैरव के दर्शन के लिए। हमने क्या बताया आपको कि नौ ग्रह के लिए बटुक भैरव से अच्छा कलयुग में कोई भी देवता नहीं है, विशेषता राहु केतु के लिए विशेष है। अष्ट भैरव में बटुक भैरव की गिनती नहीं होती है। अष्ट भैरव में काल भैरव, लाड भैरव, भूत भैरव, स्थांग भैरव, रुरु भैरव और क्रोधन भैरव आते हैं, जब बटुक भैरव शंकर जी के बाल रूप में गिनती होती है। बटुक भैरव के लिए ही कहा जाता है कि उन्हें भगवान शिव के अंश अवतारों में पहला स्थान प्राप्त है। बेहद सौम्य रूप होने की वजह से बच्चों के रोग निवारण, ग्रहों की शांति के लिए इनके दर्शन पूजन को विशेष महत्व दिया गया है। यहाँ एक कथा और जाननी बेहद जरूरी है। कहते हैं कि मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल में इस मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी। बाद में काशी के तत्कालीन नरेश बलवंत सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। इससे पहले इस मंदिर में आदि शंकराचार्य ने 16वीं शताब्दी में खुद स्थांग भैरव के विग्रह की स्थापना भी की थी। पूरे देश में बाबा बटुक भैरव का केवल काशी में ही ये मंदिर है। नमस्कार। काशी में भगवान शंकर काशी विश्वनाथ के रूप में तो है ही, अपने आठों स्वरूपों में भी है, अष्ट भैरव में है और इसमें बटुक भैरव जो भगवान शंकर का शिव का प्रथम अवतार है, जो सौम्य रूप है, जो कहा जाता है माता काली के क्रोध को शांत करने के लिए उन्होंने बटुक का छोटे बच्चे का अवतार लिया, इसलिए बटुक भैरव के रूप के प्रसिद्ध हुए। और बटुक भैरव का ये बहुत ही प्राचीन हजारों वर्ष पुराना मंदिर है, स्वयं सिद्ध मूर्ति है। और इस बटुक भैरव मंदिर के बारे में कहा जाता है कि नवग्रह के दोषों के शमन के लिए और विशेषतः राहु केतु और शनि के ग्रहों के शमन के लिए बाबा बटुक भैरव का दर्शन पूजन किया जाता है। बाबा बटुक भैरव का दर्शन और पूजन तीन रूप में किया जाता है, सात्विक, राजसी और तामसिक। मतलब हर वर्ग के लोग, चाहे वो भिन्न अभिरुचियों के हों, वो बाबा बटुक भैरव के दरबार में आ सकते हैं, दर्शन पूजन कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए बाबा से आशीर्वाद मांग सकते हैं।